हेलो डियर स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर फोर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स वर्जेटाइल नेचर ऑफ कार्बन कैटिनेशन कार्बन कैन लिंक विद कार्बन एटम्स बाय मींस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स ब्रांच चेन एंड रिंग कंपाउंड्स कार्बन एटम्स में बी लिंक्ड बाय सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स यानी कार्बन कार्बन एटम के साथ जुड़कर लंबी चेन्स बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है और ये लंबी चेन ब्रांच हो सकती हैं और क्लोजिंग कंपाउंड्स हो सकते हैं सिंगल बॉन्ड बना सकता है डबल और ट्रिपल बॉन्ड टेट्रा वैलेंसी कार्बन हैज फोर बैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कार्बन कैन बॉन्ड विद फोर कार्बन आइटम्स मोनोवैलेंट आइटम्स ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड सल्फर कार्बन की फोर वैलेंसी होती है तो ये दूसरे चार एटम के साथ मोनोवैलेंट है तो चार एटम के साथ अटैच हो सकता है जैसे हाइड्रोजन के साथ या फिर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और सल्फर के साथ भी बॉन्डिंग करता है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन

graphite good conductor diamond bad conductor graphite uses lubricant pencils diamond uses cutting tools jewelry because it is the hardest substance known carbon is tetravalent it doesn't form ionic bond by either losing 4 electrons or by gaining 4 electrons so carbon can form bond only by sharing of electron and hence form only covalent compounds कार्बन की वैलेंसी होती है तो ये चार इलेक्ट्रॉन देना और लेना इसके लिए बड़ा डिफिकल्ट है इसलिए ये शेयरिंग करता है एंड शेयरिंग इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्डिंग तो ये कोवलेंट कंपाउंड्स बनाता है ऑलवेज कोवलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज दे हैव वीक है फोर्सेज आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज देर इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नो आयंस आर फॉर्मड इनके सॉल्यूशन में आयंस स् नहीं फॉर्म होते हैं इसलिए ये पोअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के सैचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कंपाउंड्स मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने इसलिए इनको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैव सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स एंड

फॉर एग्जांपल, द टू ब्यूटेन विद इनका फॉर्मूला फॉर्मूला तो सेम है बट स्ट्रक्चर अलग होता है जैसे आप देख सकते हैं ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन में ब्यूटेन में सिंपल है कार्बन चैन स्टेट और आइसोब्यूटे में ब्रांच है बट मॉलिकुलर फार्मूला सेम होता है इस प्रॉपर्टी को कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म द थ्री स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन विद मोलिकुलर फार्मूला C5H12R फाइव ट्वेल्व आर एन पेंटेन आइसो पेंटेन एंड न्यू पेंटेन यानी सेम मोलिकुलर फार्मूला है बट डिफरेंट टाइप से ये अरेंज हैं होमोलोगस सीरीज़, अ सीरीज़ ऑफ कंपाउंड इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्सटीट्यूट फॉर हाइड्रोजन इन अ कार्बन चैन इज कॉल्ड एग्जांपल है एलकेमोलोगस सीरीज है जनरल फार्मूला होता है सेम जैसे कि एल्के है सी एन एच टू एन प्लस टू डिफर पाए सी एच टू ग्रुप यानी डिफरेंस होता है सी एच टू का डिफरेंस इन मॉलिकुलर फार्मा इज फोर्टीन यूनिट सो रेगुलर ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज बट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज यानी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं बट ग्रेडेशन होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में